आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये कक्षा 6 के जो हमारा प्रथम चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, उस पर आधारित है। तो इसमें जो भारतीय पद्धति है संख्या पद्धति और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ बातें रह गई थी जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संख्याओं के बारे में, जैसे संख्याएँ हमारे तुलना करने के काम आती हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं जैसे हम कैसे निकालें। तो जैसे मान लो दो संख्या दे रखी है हमारे को यहाँ पर, और एक दे रखी है 392। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा हैंडराइटिंग पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ और अभी इसमें लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कम है, तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या है, तो इसमें हम कैसे पता करें कि ये संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें तो बहुत ही आसान है। तो जैसे कि ये संख्या हम देखें, तो इस संख्या में हमारे पास तीन अंक हैं, 1, 2 और ये 3, और जबकि इस संख्या में हमारे पास 2 अंक हैं, 9, 2। तो जाहिर सी बात है कि जो 2 अंकों की संख्या होती है वह 3 अंकों की संख्या से छोटी होती है। तो इसका मतलब हम इसमें ऐसे चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा देता हूँ, तो जैसे ये चिन्ह जो हमारा है ये बराबर का है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इसको कहेंगे से बड़ा है, से बड़ा है, ठीक है। और अगर हम ये चिन्ह ऐसे लगाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे से छोटा है, तो यहाँ पर ध्यान दें। जैसे हम कहें 3 है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम कहेंगे 3 5 से छोटा है। अगर हम ऐसे लिखें 5, तो हम कहेंगे 5 3 से बड़ा है। अगर हम लिखें ऐसे 5 बराबर 5, तो हम कहेंगे 5 5 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई कहे कि ऐसे 0 9 2 और ये 3 9 2, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है? हालांकि 0 एक अंक है हमारा, पर मैंने आपको एक जो पहले वीडियो बनाई हुआ है यहाँ बताया हुआ है उसमें कि जैसे 0 92 या 92, ये और ये दोनों ये बराबर हैं, यानी कि 0 9 2 बराबर है 92 के। तो इसमें हम जो शून्य लगाते हैं उसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो जैसे कोई संख्या हम लिखें, यहाँ पर लिख दें 4 5 6 9, और हम यहाँ लिख दें 4 5 7 3। अब हमें कोई कहे कि ये बताइए कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? तो सबसे पहले देखो, ये संख्या जो है, ये संख्या और ये संख्या जो है, ये दोनों संख्याएं जो हैं, ये दोनों संख्याएं 4 अंकों की हैं। तो इससे हमें पता लगा कि अभी इसमें से हमें छोटा बड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि 4 अंकों की हैं। पहले एक संख्या, जैसे हमने ऊपर देखा कि एक संख्या जो थी वो 3 अंकों की थी, 1 2 अंकों की, तो इसका मतलब 3 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या कौन से वाली संख्या जो है बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले देखो, इसमें ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का, ये सैकड़ा और ये हजार। तो हम दोनों संख्याओं के जो हजार का स्थान है उसको देखते हैं। तो जैसे ये अंक है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसका मतलब इससे हमें नहीं पता लगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिर हम जो सैकड़े वाली संख्या है, ये इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ पर ये भी 5 है और यहाँ पर ये भी 5 है, तो इसका मतलब ये भी संख्या बराबर है, 5 और 5 जो अंक है। फिर हम चलते हैं दहाई वाले अंक पर, तो यहाँ से देखें, तो दहाई वाले अंक में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो अब हम जानते हैं कि जो 7 है वो 7 6 से बड़ा होता है, 7 6 से बड़ा होता है। तो इससे हमें पता लग गया कि जो ये है 6, ये छोटा है, और ये 7 जो है यहाँ पर बड़ा है। तो इसका मतलब इधर वाली संख्या
इससे बड़ी है, ठीक है। तो दोबारा लिख देते हैं एक बार साफ करके, यहाँ पर ये वाली संख्या इससे बड़ी है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कोई और उदाहरण लें, 7 3 2 9 6, यहाँ मैं लेता हूँ 7 3 2 9। अब मुझे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस संख्या को देखूंगा तो इस संख्या में कितने अंक हैं और इस संख्या में कितने अंक हैं। देखो, देखने में लगेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक सारा बराबर है, ठीक है ना। लेकिन तुम देखोगे कि इसमें 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक हैं, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो इसका मतलब ये 5 अंकों वाली संख्या इससे बड़ी हुई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये छोटी बड़ी संख्याएँ क्या हैं। तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग हम करेंगे आरोही क्रम में लिखना, जिसको अंग्रेजी में हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा हमारा होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना, जिसको हम डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो जो पहला है हमारा ये जो आरोही क्रम है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक बंदा है जिसकी हाइट ये है, ठीक है, फिर एक बंदा ये है उसकी हाइट ये है, फिर एक बंदा ये है उसकी हाइट ये है, फिर एक बंदा ये है इसकी हाइट ये है। तो इससे क्या पता लगा आप लोगों को, इससे ये पता लगा कि ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है। तो इस तरह से जब हम लगाते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर बड़ी और अंत में सबसे बड़ी, तो इसे हम कहते हैं आरोही क्रम में लिखना, ठीक है जी। और अगर हम उल्टा इसका कर दें, मान लो ये ऐसे, ये सबसे बड़ा, ठीक है, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा और फिर ये सबसे छोटा। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारा अवरोही क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे कि अब हम कोई संख्या ले लें, मान लो हम ले लें 5 3 8 7 11। अगर मैं आपको कहूँगी इसको आप इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे छोटी संख्या छांटोगे, कौन सी है सबसे छोटी, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 11। तो जब हमने ये संख्याएं लिखी तो ये जो संख्याएं हैं ये आरोही क्रम में आ गई, यानी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। तो ये हमारी होगी आरोही क्रम। अगर इसी को हम कहें कि अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही यानी कि पहले सबसे बड़ी, यानी ये 11 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद 5, फिर 3। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में आरोही क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर हम बोलते हैं अवरोही क्रम को। तो आपको ये पता लग गया होगा कि आरोही और अवरोही क्रम होते क्या होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें कुछ अंक दिए होंगे, जैसे हमें कोई अंक दे रखे हैं, तो जैसे हमें अंक दे रखे हैं 3 5 0 4, तो हमें कहा गया है कि इन 4 अंकों को मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सब हम छांटेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इनमें सबसे बड़ा अंक 5 है, तो सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर हम उससे बाद उससे छोटा अंक लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक लेंगे और अंत में हम सबसे छोटा अंक लेंगे। यानी आपने समझना है कि जैसे हमने सबसे बड़ी संख्या बनाई, जो हमें अंक दिए हुए हैं,
तो ये कैसे बनाई? हमने अंकों को एक तरह से हम सोचें कि हमने इनको आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई जो हमें अंक दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर हम कहें कि इन्हीं अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे छोटी, तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, आप लोग सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लोग क्या करते हैं, जीरो सबसे पहले लिख देते हैं, अभी इसको अवरोही क्रम में लिखना है, फिर आपने थ्री लिख दिया, फिर फोर लिख दिया, फिर फाइव लिख दिया। अब यहाँ होगी गलती, क्या गलती होगी कि आपको देखने में तो लग रहे हैं कि ये चार अंक ही हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है जब मैंने काउंटिंग सिखाई दूसरे वीडियो में, तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 0, 3, 4, 5 यानी कि 345, और अगर हम इसको ऐसे लिखें 345, तो ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो इसका इसके बराबर होने का मतलब ये है, देखो ये तीन अंकों की संख्या है 345, यानी हम इसको शून्य 345 नहीं कह सकते, ये 345 ही है, इसलिए जब हमने ये संख्या इस तरह से लिखी तो ये गलत है, ये तीन अंक ये इन अंकों से यानी ये जो हमें अंक दिए हुए हैं इनसे मिला करके ये तीन अंकों की संख्या बना दी हमने, जीरो पहले लिख करके, हमें बनानी थी चार अंकों की, तो चार अंकों की कैसे बनाएंगे हम देखो जो जीरो को छोड़कर सबसे पहले छोटा है वो तीन है, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जीरो लगा दो, फिर चार, फिर पाँच, इस तरह से ये जो संख्या आएगी आपके पास ये इन अंकों को लेकर के चार अंकों को सबसे छोटी संख्या बनी, ठीक है। इसी प्रकार से हम चार अंकों की इनसे अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि आप क्या करो 4, 3, 0, 5 या आप बना लो 4, 0, 3, 5 या बना लो 4, 3, 5, 0 या बना लो 5, 4, 3, 0, 5, 4, 3, 5, 0, ये तो पहले लिख लिया हमने, ठीक है, तो ये पहले लिख चुके हैं। इसी तरह से आप इनको अदल बदल कर अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, ये जो हमने बनाई है, ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या है वो हमने कौन सी बनाई है, ये वाली बनाई है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि जो हमें अंक दिए होते हैं उनसे हम किस प्रकार से अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं, और उन दिए हुए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनानी है। तो सबसे बड़ी तो बनाना आसान है, जिसमें हम उनको क्या लिख देते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक शून्य दिया हो तो हमें समस्या ये होती है कि हम शून्य को पहले नहीं लिखेंगे, शून्य को पहले बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ पर तीन है, 3, 4, 5 में सबसे छोटी संख्या तीन है, और उसके बाद हम यहाँ पर शून्य लगा देंगे और फिर 4, 5, तो ये हमारी संख्या होगी जो सबसे छोटी है इन दिए हुए अंकों को मिला करके। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि जो हमें संख्या दी होती है वो कैसे हम लगाते हैं। ये जब मैंने गिनती सिखाई थी वहाँ भी बताया था कि जैसे एक अंक की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आप देखोगे ये 10 जो है यहाँ ये दो अंकों की संख्या है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारी एक अंक की संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 ये 9 हमारी जो है एक अंक की संख्या है, और जो पहली हमारी सबसे छोटी संख्या है जो दो अंकों की है वो 10 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सीख लिया, देखो सबसे बड़ी जो एक अंक की संख्या है 9, अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो एक जोड़ने पर हमें मिलता है 10, ठीक है जी। तो ये एक अंक की संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या, उसमें एक जोड़ने पर हमें सबसे छोटी संख्या मिलती है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मिली हमें 10। इसी प्रकार से जैसे हम 10 के बाद चलेंगे तो जो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है वो 99 है, यानी कि 99, ठीक है जी। अब 99 जो है ये दो अंकों की संख्या है सबसे बड़ी, इसके बाद हमारा होता है 100। अब ये जो 100 है ये 100 तीन अंकों की संख्या होगी, तो आपने देखा जो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है वो 99 है, और सबसे छोटी जो तीन अंकों की संख्या है वो 100 है। तो इसका मतलब हमने ये भी बात सीख ली कि जो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या होती है उसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जैसे हम चलते हैं 100 के बाद हम चलते हैं तो हम कहाँ तक जाते हैं, हम 999 तक चले जाते हैं गिनती में, यानी 999। अब 999 जो है आप देखेंगे कि ये तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा। अब आप 1000 को देखोगे तो ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि हमने सीखा कि 999 यानी कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें एक जोड़ने पर हमें
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये देखा। इसी प्रकार से हम आगे देखें, अच्छा अगर हम इसके विपरीत देखें तो जैसे दो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर हम इसमें से एक घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 99। यानी अगर हम तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक घटा देते हैं तो हमें दो अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो चार अंक कैसे, पहला ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक और ये चौथा अंक, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर हम एक घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा। अच्छा एक चीज़ यहाँ से और निकल के आती है, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, तो जो हमारा अगला अध्याय रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एक्सरसाइज, उसमें हमारे पास आएगी कि जो परवर्ती और जो पूर्ववर्ती है, ठीक है, तो जो ये हमारा परवर्ती है इसका मतलब है हमारा ये सक्सेसर है, और ये पूर्ववर्ती जो है ये हमारा प्रीडिसेसर है। ठीक है जी, तो ये बात भी हमारी आएगी, यानी कि जैसे हमने किसी भी संख्या में से एक घटा दिया तो वो हमारा जो होता है पूर्ववर्ती होता है, और जब हम एक जोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो 34 है, 34 में हमने एक जोड़ दिया तो ये हमारा 35 आ गया। तो यानी कि जो 34 है, 34 का परवर्ती ये हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि 35 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है। तो हमने आरोही अवरोही सीख लिया, हमने संख्याओं को बनाना सीख लिया, हमने छोटी बड़ी संख्याएं कैसे देखनी है वो सीख लिया, और जो अगले चैप्टर का है पूर्ववर्ती और परवर्ती हमने वो भी सीख लिया, हमने कैसे छोटे अंकों की संख्या, जैसे हमने सीख लिया कि जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है वो एक है, ठीक है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो दो अंकों की 99 है, और इसी प्रकार तीन अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 100, और तीन अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 999, चार अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है, और चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो इस तरह से 9999, पाँच अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो इस तरह से है। तो छोटी संख्या हम निकालते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पाँच अंक हैं तो 40 और 1 लगा दिया, ठीक है ना, और चार अंकों की सबसे छोटी है तो 30 और 1 लगा दिया। इसी प्रकार से जो चार अंकों की सबसे बड़ी है उसमें 4 बार 9, जो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 3 बार 9, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 2 बार 9, और पाँच अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 5 बार 9। तो इस या हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये क्या है, जैसे हमने अगर एक अंक की कोई संख्या लिखी, मान लो 9 है, तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, इसको 9 × 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर गुना 1 होता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 87 लिख दिया, तो 87 में हमारे पास ये जो है ये इकाई के स्थान पर है, तो इसको हम 9 × 1 लिख सकते हैं और जमा यहाँ पर करके, और ये जो हमारा ये दहाई के स्थान पर है तो इसको 8 × 10 करेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार ये हमारी प्रसारित रूप है इसका, जैसे कि मान लो हम लिख दें 375, तो आप देखोगे कि ये 5 इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ पर ये 5 × 1 हो गया हमारा, प्लस ये जो 7 है ये हमारा दहाई के स्थान पर है, तो इसको हम 7 × 10 लिखेंगे, प्लस ये हमारा जो 3 है ये हम सैकड़ा के स्थान पर है, इसको 3 × 100 लिखेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं चाहें तो,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। तो जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम कोष्ठक बोलते हैं। ये हम इनको कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो चार अंकों की संख्या कोई ले लें, 4 3 2 0 मान लो लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो ये स्थान है ये 1000 का स्थान है, तो 4 × 1000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 3 है, ये हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसको 3 × 100 लिखेंगे हम। और उसके बाद ये 2 जो है ये दहाई के स्थान पर है, तो हम इसको जमा 2 × 10 लिखेंगे, जमा यानी कि योग। और ये जो शून्य है ये इकाई के स्थान पर है, आप चाहो तो इसको ऐसे करके यहाँ 0 × 1 ऐसे ऐसे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, यानी इसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो जीरो ही देगा, ठीक है। लेकिन जब हम संख्या इस प्रसारित रूप से वापस हम लिखना चाहेंगे ऐसे करके, तो फिर हमें यहाँ जीरो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है ऐसे 4 × 1000 जमा 3 × 100 और जमा 2 × 10, ये दे रखा है, और हमें कहा है कि संख्या लिखो, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही करके हम यहाँ पर पहले निशान लगाते हैं। अभी जो पहला स्थान है हमारा ये इकाई का है, ये दहाई का है। अब देखो 2 × 10 का मतलब ये दहाई का है, तो 10 नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर, ये 2 लिखेंगे दहाई के स्थान पर ऐसे। और इसको हम देखेंगे ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा 3 के स्थान पर है, सॉरी 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो यहाँ हम उसको ऐसे लिखेंगे। और जो ये हम इसको देखेंगे तो ये 1000 के स्थान पर 4 है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1000 के स्थान पर। तो अब अगर हम इस स्थान को खाली छोड़ दें, ये जो स्थान है अगर इसको खाली छोड़ दिया हमने, तो सिर्फ ये 432 रह जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, 4 की है, 1000 स्थान तक है। तो जो स्थान ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको यहाँ 0 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जब हमने इसको प्रसारित रूप में लिखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको वापस लिखेंगे तो ये 0 लिखना अति आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है जी। तो जो प्रश्नावली एक है आपकी, जो प्रश्नावली एक है, वो मैंने जब आपको दूसरे वीडियो में टेबल सिखाया था, तो वहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया था आपको, ठीक है। जैसे 1 लाख किसके बराबर है, कितने 10,000 के बराबर है, और 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है, 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर है। तो इसी प्रकार उसका दूसरा तीसरा चौथा जो प्रश्न है, वो भी मैं उस जो टेबल है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो आप पहली एक्सरसाइज जो है अपने आप प्रयास करेंगे, पहले वो वीडियो देखेंगे वहाँ पर जाकर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है विकास सर की मैथ क्लास, वहाँ पर वो वीडियो देखेंगे आप, जिसमें आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी कि भारतीय पद्धति जो है, भारतीय संख्या पद्धति, उसके बारे में, और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, उसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है, और वहाँ उनकी एक्सरसाइज के टाइप से मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो वो वीडियो आपने देखना है, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर पाएंगे। उसके बाद जब आप करेंगे, तो फिर मैं इसको दोबारा से अगर कोई गलतियाँ होंगी तो लाइव क्लास लूँगा, मापने की इकाई या मात्रक, जिसको अंग्रेजी में हम यूनिट भी बोलते हैं। अब ये मात्रक क्या है, देखो जैसे हम सड़क को मापते हैं, मान लो सड़क की लंबाई है, हमने यहाँ से अंबाला जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि अंबाला जो है वो यहाँ से 40 किलोमीटर है। अब ये किलोमीटर क्या है, ये किलोमीटर ही एक इकाई है, जिसको हम मात्रक बोल सकते हैं। तो जैसे हम कहेंगे हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है, उसमें हम जो दौड़ लगाते हैं, वो 400 मीटर का ट्रैक है, मीटर। तो ये मीटर क्या है, ये मीटर की एक इकाई है, ये भी मीटर की इकाई है मापने की। जैसे हम अपनी कॉपी पे स्केल के साथ एक लाइन लगाते हैं, और हम कहते हैं जी हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, तो ये सेंटीमीटर cm, ये क्या है, ये भी एक छोटी इकाई है, ठीक है। हम कहते हैं जी हमने 5 mm यानी 5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर क्या है, 5 मिलीमीटर की लाइन लगाई, तो ये 5 मिलीमीटर, ये भी एक मापने की इकाई है। तो हम इनको मात्रक कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं, या यूनिट कह सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में सीखेंगे। तो ये क्या है,
ठीक है जी। तो इसको याद करने का एक ना तरीका बना रखा है, जैसे अब पता नहीं किसी ने बनाया होगा, लेकिन किसी गणित के अध्यापक ने या किसी ने बनाया होगा इसको याद करने के लिए। तो जस्ट ये एक तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे हम लिखते हैं कौन है दिल्ली में DCM, ठीक है। तो ये जो कौन है, ये इससे हमने किलोमीटर कहा, किलोमीटर, ठीक है। ये जो है इससे हमने लिखा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ये दिल्ली जो है ये डेकामीटर, ठीक है जी। और ये मे से मीटर, ये डेसीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये हमारा जो है मीटर, मिलीमीटर। तो ये क्या है, अब देखो जो एक मिलीमीटर है, एक मिलीमीटर हम यहाँ बात करेंगे, एक मिलीमीटर, तो हम इसको 10^0 लिख सकते हैं। तो जिस अब ये ध्यान रखना है, किसी भी जो नंबर है अगर उसकी शक्ति हम जीरो लगाते हैं, शक्ति यानी इसके कंधे पर हम ये जीरो रख देते हैं, इसके कंधे पर ये जीरो रख दिया हमने, तो ये इसका उत्तर वन आएगा, हमेशा एक आएगा। यानी जैसे कि मान लो लिख दिया एक्स की शक्ति जीरो, तो ये भी एक आएगा। पाँच की शक्ति जीरो, तो ये भी एक आएगा। तो इस प्रकार से, तो अब उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर 10^1, यहाँ 10^2, यहाँ 10^3, यहाँ 10^4, यहाँ 10^5 और यहाँ 10^6। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक है, ये एक मिलीमीटर की बात हो रही है। अभी मैं आपको स्केल पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि मिलीमीटर क्या है, ठीक है, इससे हम मुलाकात करेंगे। तो जैसे ये 10^1 का मतलब है कि ये 10 है। तो 10 क्या है, यानी एक सेंटीमीटर में, ये हमारे पास एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर, ठीक है। और ये एक डेसीमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास एक डेसीमीटर में, या तो हम यूँ कहें कि 10 सेंटीमीटर हैं, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये 100 की बात हो रही है, तो ये 100 मिलीमीटर आएंगे, कितना आएंगे, मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, ठीक है, एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर, या हम कहें 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम मीटर की बात करें, तो एक मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें 10 के और हो गए, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गई, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। और इसके बाद अगर 10 यहाँ से पीछे से देखें, तो ये 1000 मिलीमीटर हो गई हमारे पास, 1000 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से, अब जैसे ये डेकामीटर है हमारा, तो डेकामीटर में हमारे पास 10 मीटर होते हैं, ठीक है, 10 मीटर। और एक मीटर में हमारे पास ये, सॉरी, 10 मीटर हो गए, और एक मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर हैं, या हम कहें 100 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ से हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ जाएंगे हेक्टोमीटर, तो एक हेक्टोमीटर में आपके 10 डेकामीटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जा करके, तो यहाँ पर ये जो हमारा किलोमीटर है, यहाँ पर 10 हेक्टोमीटर होते हैं, HM, हेक्टोमीटर, या हम कहेंगे सीधा 1000 मीटर, इस तरह से। तो 1000 मीटर होते हैं, और हम इसको मीटर में, किलोमीटर में, जो किलोमीटर है इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, हर तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो हम उसको स्केल पर देखते हैं, अब जाकर के इसी चीज़ को हम स्केल पर देखते हैं, तो हमें थोड़ा और अंदाज़ा होएगा। तो आप देख पाओगे, यहाँ से आप देख पाओगे, तो जैसे हमने देखा ये जीरो लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक है। तो यानी कि अगर मैं लाइन लगाना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये जो है हमारा, यहाँ से देखेंगे ये यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में आप दोबारा से देखें, ये जो 1 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर के बीच में ये छोटे छोटे खाने लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें,
ये जो भाग है, ये भाग यहाँ से यहाँ तक, ये छोटे छोटे जो खाने हैं ये 1 मिलीमीटर है। ये लाइन को नहीं देखना हमने ऐसी, ये लाइन तो टुकड़े करे हुए हैं इसके। बाकी अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना और ये पांचवा खाना, तो ये जो छोटे छोटे खाने हैं ये मिलीमीटर है, जबकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ये सेंटीमीटर है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से हमने फूड के ऊपर देखा कि ये सेंटीमीटर है और ये हमारा मिलीमीटर है। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर तक आ गई, ये 100 सेंटीमीटर तक यहाँ से, ये 100 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये जो 100 सेंटीमीटर तक आया है, तो 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक हमारा 1 मीटर हो जाता है, पूरा 1 मीटर। तो ये जो मीटर आपने देखा है, तो आपने जो कपड़े की दुकान पर आप अगर कभी गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो कपड़ा वाला कपड़े वाला दुकानदार होता है, जब वो मापता है तो वो एक स्टील की रॉड से मापता है, और वो रॉड जो होती है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। तो वो 1 मीटर जो होती है हमारी, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम गज से मापा करते थे, गज से, तो अभी जो है ये मीटर से मापते हैं। तो गज जो होता है वो पूरे 3 फुट का होता है, गज पूरे 3 फुट का होता है, लेकिन जो मीटर है वो 3 फुट से थोड़ा फालतू होता है। तो हम उसको भी स्केल पर देखेंगे। इसी तरह से जैसे हम दूध मापते हैं, या सरसों का तेल मापते हैं, या जो मिट्टी का तेल मापते हैं, या पेट्रोल पंप पर हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, तो उनके भी मात्रक होते हैं। उनके मात्रक या इकाई जिसमें हम उनको मापते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो जैसे हम क्या करते हैं, लीटर, ठीक है, लीटर हो गया जिनको मापने के लिए, मिली लीटर हो गया जिसको हम ML बोलते हैं, मिली लीटर। छोटे छोटे पाउच भी मिलते हैं हमारे को, ऐसे पाउच मिलते हैं ना जो स्कूटर में हम तेल डालते हैं, पहले जो पुराने स्कूटर हैं उनमें, वहाँ पर छोटे छोटे पाउच मिलते हैं हमारे को, जिनमें एक मोबिल ऑयल होता है चिकनाहट के लिए, वो भी हम इंजन ऑयल में डालते हैं या उसमें डालते हैं पेट्रोल वगैरह में, तो वो मिली लीटर में होते हैं। जैसे 50 मिली लीटर, लीटर, जैसे हम दूध लेते हैं तो 1 लीटर में लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं, आधा लीटर, ठीक है, इस प्रकार से। तो जैसे भार को मापते हैं, जैसे हम कोई सब्जी लेके आते हैं बाजार से, तो उसके लिए मात्रक थोड़े हमारे अलग होते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, MG, जो छोटी छोटी हमारी दवाइयाँ होती हैं वो मिलीग्राम में हमारे को मिलती है, जो हम दवाइयों के पैकेट लेते हैं तो उन पर MG लिखा होता है, ठीक है। सुनार के पास जैसे हम सोना तुलवाने जाते हैं, वो MG, ठीक है, मिलीग्राम में छोटा छोटा होता है। और जैसे कि बड़े भार मापने हमने, वहाँ क्विंटल, क्विंटल हो गया हमारा, टन हो गया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना दूंगा जो आप नोट करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक हमारे पास होते हैं। तो आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सन्निकटमान। सन्निकटमान जो होता है, जिसको अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं हम, तो ये सन्निकटमान क्या है? तो जैसे मान लो हमारे पास एक अंक की कोई संख्या लेता हूँ, मान लो 7 ले लिया मैंने, तो 7 को मैंने निकटतम 10, दहाई के निकटतम इसको हमने लेना है, तो वो क्या रहेगा? जैसे आप अगर उसको संख्या रेखा पर देखें हम यहाँ पर, तो मान लो ये 10 है और ये हमारे पास 1 है। अब अगर हम इनका आधा देखें, आधा, तो ये हमारे पास 5 रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 7
जो है पाँच से आगे यहाँ कहीं रहेगा, जैसे ये छः हो गया, ये सात हो गया, ये आठ हो गया और ये नौ हो गया, ये चार हो गया, ये तीन हो गया, ये दो हो गया, ठीक है। और हम यहाँ जीरो भी ले सकते हैं, तो देखो एक दो तीन चार और ये पाँच, इसी तरह यहाँ पर एक दो दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो हमने इसको आधार मानना है, ये जो पाँच है यानी जो बीच का अंक है पाँच, हम इसको आधार मानेंगे। अब जो ये वाली संख्या है ये पाँच से आगे है, पाँच से आगे, तो अगर ये पाँच या पाँच से आगे रहेगा, पाँच या पाँच से आगे रहेगा, तो ये इसका जो निकटतम संख्या होगी, जो दहाई का निकटतम संख्या होगी वो दस होगी। अगर मान लो हम कहेंगे हमारे पास ये चार है, इसकी निकटतम संख्या, तो चार किसके सन्निकट है, तो चार जो है वो इस पाँच से, इस पाँच से पीछे है, तो इसका जो सन्निकट है वो हम जीरो लेते हैं, जीरो लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ लिया इक्यावन, मैं कहता हूँ इसको आपने दहाई के सन्निकट करना है, दहाई के, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ से इक्यावन किसके बीच में है। अब देखो इक्यावन जो है पचास और साठ, अगर दहाई की बात की जाए तो पचास और साठ में दस का अंतर है, ठीक है, और इनका जो बीच का अंक रहेगा वो रहेगा हमारे पास पचपन। अब हमने ये देखना है कि जो इक्यावन है वो इस पचपन से बड़ा है या छोटा, मतलब क्या इक्यावन पचपन के इधर आएगा या इस साइड आएगा। तो हम देखेंगे कि जो इक्यावन है वो यहाँ नज़दीक है, यहाँ पर इक्यावन इक्यावन, ठीक है, बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन, पचपन से आगे छप्पन शुरू होता है, तो इसका मतलब जो इक्यावन है हमारा वो पचपन से पहले आ गया, जो इसका मध्य बिंदु था उससे पहले आ गया। तो यानी कि हम कहेंगे कि जो पचपन इक्यावन है उसका जो सन्निकट मान है, सन्निकट वैल्यू है वो पचास की है, तो इक्यावन जो है उसका सन्निकट मान हम पचास लेंगे, ठीक है। अच्छा आगे और देखते हैं हम। अब मान लो मैं कहूँ कि हमारे पास 78 है, तो 78 का सन्निकट मान बताओ दहाई के। अब देखो 78 किसके बीच में लगेगा, 78 जो है वो 70 और 80 के बीच में रहेगा, 78 जो है वो 70 और 80 के बीच में रहेगा, तो दहाई इसमें और इसमें 10 का जो है अंतर है, तो इनका जो मध्य बिंदु है वो क्या रहेगा, 75। अब हम देखेंगे कि जो 78 है वो 75 के इस साइड में है या इस साइड में है, कौन से तरफ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 76 हो गया, ये 77 हो गया, ये 78 हो गया, तो हमने यहाँ देखा ये जो 78 है, 78 ये 75 यानी जो बीच का मान है उससे इधर को है और 80 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए जो 78 का सन्निकट मान है वो कितना हुआ, 80, ठीक है जी। अब मान लो कोई उदाहरण लेते हैं, मान लो ये हमने लिया 347, हम कहते हैं इसको सैकड़ा, इसका जो सन्निकट मान निकालना है वो सैकड़ा के नज़दीक निकालना है। अब सैकड़ा जब आता है तो हमने क्या देखना है, ये जो मान है ये 300 और 400 के बीच में रहेगा, 300 और 400 के बीच में, क्योंकि आप देखोगे जो 347 है वो 300 और 400 के बीच में है और यहाँ 300 और 400 के बीच में कितना अंतर है, 100 का, तो ये सैकड़े का अंतर हो गया। तो आप देखेंगे इनका जो मध्य बिंदु है वो कितना है, 350। अब हमने देखना है कि हमारा जो 347 है वो इस मध्य बिंदु के आगे है या पीछे है, ठीक है। आप जाहिर सी बात है 347 350 से पहले आएगा, तो 347 कहीं यहाँ आएगा, तो ये 350 से पहले है, तो इसका मतलब इसका जो सन्निकट मान होगा, 347 का सन्निकट मान जो आप देखेंगे सैकड़ा के हिसाब से वो 300 होगा, ठीक है। और कोई बच्चा कहे जी अगर 350 माना जाए, तो मैं पहले भी बताया था कि अगर मध्य बिंदु है या मध्य बिंदु से आगे है तो उसका सन्निकट मान हमेशा आगे वाला ही होता है, यानी 350 का जो सन्निकट मान है वो 400 रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। अब मान लो मेरे पास एक मान है 43, या मान लो इसको लेता हूँ 4832, इसका सन्निकट मान हमने 1000 के निकट बताना है, 1000 की,
तो हम जैसे अगर लाइन लगाएंगे ऐसे करके लाइन पे देखें तो संयुक्त मान हमारा देखेंगे 4832 है, तो यानी कि ये 4000 और 5000 के बीच में रहेगा। तो अगर हम इसका मध्य बिंदु देखेंगे तो क्या रहेगा, इसका मध्य बिंदु रहेगा 4500। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी ये जो मान है ये 4832 है, ये इससे आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो ये तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर गिनती गिनोगे तो 4500 से ये आगे की तरफ रहेगा, यहाँ कहीं आएगा ये 4832। तो यानी 4832 किसके ज़्यादा निकट है, 5000 के, तो ये 5000 के ज़्यादा निकट है, तो इसका मतलब इसका जो संयुक्त मान हुआ वो 4832 का जो संयुक्त मान है वो 5000 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगर हमें जब तक कहा ना जाए कि इसका संयुक्त मान निकालो, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास दो अंकों की संख्या है, मान लो कि ये दो अंकों की संख्या है, तो इसका जो दो अंकों की संख्या होती है हम उसका संयुक्त मान कहाँ तक निकालते हैं, दहाई तक। अगर हमारे पास मान लो तीन अंकों की कोई संख्या है तो हम उसका मान सैकड़े तक निकालते हैं। अगर कोई हमारी चार अंकों की संख्या है तो उसका अंक हम हजार, उसका जो मान है वो हम हजार के स्थान तक निकाल सकते हैं संयुक्त मान, तो इस प्रकार से। लेकिन अगर हमें कुछ कहा गया हो, मान लो इसी में हमें कहा गया हो, अगर हमें कहा जाए कि ये 4832 है, इसका मान दहाई के संयुक्त निकालो, दहाई के, तो फिर आपने 4000 और 5000 नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ देखा तो दहाई के लिए हम क्या करेंगे, ये दो स्थान देखेंगे, दो स्थान, तो दो स्थान में हम क्या करेंगे, ये 32 है 32, यानी तो 32 कहाँ आएगा, 32 30 और 40 के बीच में आएगा। अभी क्या है, ये 30 और 40 नहीं है, ये पूरी संख्या है 4832 थी ना, तो 4830 और 4840 ऐसे होगी संख्या। अब इनका बीच का मान क्या होगा, बीच का मान 30 और 40, ये देखो यहाँ हमने 30 लिया था ना, यहाँ हमने 40 लिया था, ये तो इनके बीच का मान 35 होता है, लेकिन अभी ये 4830 है तो ये 4835 बन जाएगी संख्या। तो अब हमने क्या करना है, ये मध्य जो संख्या है हमारी, इस संख्या को देखना है, ये 32 जो है ना, 32, ये 32 इस 35 से आगे है या पीछे है, तो जाहिर सी बात है कि जो 32 है वो पीछे आएगा इससे, तो इसका मतलब इसका जो संयुक्त मान होगा पीछे की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 4832 का संयुक्त मान है वो 4830 है, अगर हम इसको दहाई के संयुक्त ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम इसी को कहें कि 4832 जो है इसका संयुक्त मान सैकड़े के हिसाब से निकालो, भी सैकड़े के कितना नज़दीक है, तो देखो ये 832 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे ऐसी, और हम एक लाइन लगा के देखते हैं कि ये 832, तो ये 830 हो गया, सॉरी 800 हो गया, 800 क्योंकि सैकड़े में कर रहे हैं हम, और ये 900 हो गया। ठीक है जी, लेकिन हम ये 4832 था, यहाँ भी 4900 हो गया। अब 800 और 900 के बीच का देखो, ये 800 था और ये 900 था, अब इनका मध्य क्या होगा 800 और 900 का, ठीक है, इसका मध्य होगा 850, क्योंकि 100 का अंतर है ना, यहाँ से 100 का अंतर है 900 और 800 में, लेकिन ये हमारा 4850 हो गया। तो अब हमने देखना है कि ये जो हमारा 832 है, 4832 ये इससे आगे है या पीछे है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो 832 है, ये 832, ये 832 850 से पहले है, तो इसका मतलब जो यहाँ को कहीं को जो 4832 आएगा, इसका जो संयुक्त मान होगा पीछे वाले के होगा, तो इसका जो संयुक्त मान सैकड़े के हिसाब से है वो 4800 रहेगा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि संयुक्त मान हम कैसे निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न रहेंगे, प्रश्नावली में कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें हम संयुक्त मान के साथ जमा करना, गुणा करना और घटाना, भाग करना वगैरह हम सीखेंगे, तो वो अगले वीडियो में मैं आपको करूँगा। तो इसमें एक चीज़ और रह गई, जो मैंने आपको एक और वीडियो बना के दिया हुआ है, वहाँ पर उस वीडियो में मैंने रोमन गिनती सिखाई थी, और रोमन गिनती में एक दो बात रह गई थी। रोमन गिनती में क्या बात रह गई
कि रोमन गिनती में एक तो जो हम शून्य लिखते हैं, शून्य यानी जीरो, जो हम जीरो लिखते हैं इसके लिए हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरा, जैसे रोमन गिनती में हम प्लस करें, इसको एडिशन या ऐड कहते हैं, या सब्ट्रैक्ट कहते हैं, या गुणा करना या भाग करना कहते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, जिसको भाग करना हम बोलते हैं। तो अगर हमें इनमें जमा करना हो, भाग करना हो, या गुणा करना हो, या इस तरह से, ये जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनके लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई भी तरीका नहीं है। यानी अगर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, ये 10 है हमारे पास, और प्लस मान लो हमने लिख दिया 2, तो हम ऐसा नहीं कर सकते भी इस एक्स को इस 1 से जोड़ेंगे या इससे जोड़ेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो हमें ऐसे ही लिख के देखना पड़ेगा, 10 और ये हमारे पास 2 होगा, इसको जब हम जोड़ के देखेंगे तो ये 12 आएगा, और इसके लिए हम 12 लिखेंगे, इससे 10 और 2 12। यानी वहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको एक्स को एक से या इस आई से जमा करके देखें या गुणा करके देखें, तो ये उसकी थोड़ी सी कमी है। और शून्य के लिए हमारे पास कोई एक तरीका नहीं है।